इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो चुका है। ये एक शानदार और सफल मिशन रहा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जो काम दिया गया था, उन दोनों ने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। अब वो चैन की नींद सो रहे हैं। अगर लैंडर रोवर अब नींद से नहीं जगते तो हमें उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके सोए हैं। एस सोमनाथ ने कहा है कि अगर रोवर और लैंडर के सर्किट डैमेज नहीं हुए होंगे तो ये वापस एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया था। इसरो चीफ ने कहा कि लैंडर और रोवर से संपर्क साधने के सारे प्रयास जारी हैं, लेकिन वहां से कोई संदेश नहीं आ रहा है। इसका मतलब उनके पास सिग्नल को समझने की समझ अब बाकी नहीं है। लेकिन जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तब तक चंद्रयान 3 चंद्रमा पर मौजूद रहेगा। इतना ही नहीं, इसरो चीफ ने अपने अगले मिशन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि एक्सपोसेट यानी एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट की लॉन्चिंग नवंबर या दिसंबर में होगी। ये देश का पहला पोलारीमीटर सैटेलाइट है। ये अंतरिक्ष में एक्सरे सोर्सेस की स्टडी करेगा और ये लॉन्च के लिए तैयार है। तारीख की घोषणा जल्द ही होगी। इसे PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये ब्लैक होल्स, नेबुला और पल्सर वगैरह की स्टडी करेगा। इनके अलावा एक क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है INSAT-3DS। ये देश के मौसम से संबंधित जानकारी देगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। इस साल का सबसे बड़ा मिशन होगा गगनयान। इस मिशन के क्रू मॉड्यूल का मानव रहित फ्लाइट टेस्ट होगा। 2 बार क्रू मॉड्यूल के मानव रहित फ्लाइट टेस्ट के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान कैप्सूल में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यानी भारत में बनी तकनीक, कैप्सूल और रॉकेट से भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की सैर करेंगे। क्रू मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में 1 से 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। ये मॉड्यूल पृथ्वी के चारों तरफ गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद तय स्थान पर समुद्र में लैंड करेगा।